जबलपुर के मैत्री समूह ने जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आचार्य श्री के जीवन का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। इसमें किसे चोट लगी है? कहाँ बह रहा है खून? ओफो माँ, चोट हमें नहीं सिरिया को लगी है। पत्थर मार दिया था शैतान बच्चों ने, देखो कितना खून बह रहा है। ठहरो, मैं ठंडा जल लाती हूँ, इससे इसका खून बहना रुक जाएगा। माँ माँ, ये ठीक तो हो जाएगी ना? लाओ इसे थोड़ा जल भी पिला देते हैं। माँ ये जल नहीं पी रही, नहीं आंखें खोल रही है। बेटा अब इसमें जीवन शेष नहीं रहा, ये मर गई है। जाओ बाहर गड्ढा करके इसे गाड़ाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इस घटना का विद्याधर के मन पर विपरीत प्रभाव पड़े, वो वैसे भी बहुत संवेदनशील है। इसमें जबलपुर के 40 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। नाथ वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनि सूरत, नमी, पार्शनाथ, वर्धमान, शाबाश। दिगंबर जैन आचार्य के नाट्य रूपांतरण के सभी कलाकार अन्य धर्म संप्रदाय के थे। उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी के जीवन दर्शन, त्याग, तपस्या और सभी के प्रति अनुराग से प्रभावित होकर स्वयं नाटक रूपांतरण तैयार कर कई माह की प्रैक्टिस के बाद इसे भोपाल में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री के 71वें जन्म दिवस पर प्रस्तुत किया। खुले मंच पर हमारे दर्शक इसे मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। सभी ने कलाकारों की इस जीवंत रूपांतरण की प्रशंसा की। मैं सकल चराचर जीवों को क्षमा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।